नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भुसावल शहर के वार्ड नंबर 23 सर्वे नंबर 53/4 अलहिरा स्कूल के सामने वार्ड कंपाउंड का काम नगरपालिका निधि से आज 16 फरवरी 2022 को काम शुरू किया गया। परिसर के नागरिकों ने नगरपालिका प्रशासन से अपील की है कि आने वाले समय में इस जगह पर नागरिकों के हित में और उनके हिसाब से काम किया जाए। इस समय युवराज लोनारी, आजू सेठ नागरानी, सामाजिक कार्यकर्ता साजिद शेख, माजी नगर सेवक आरिफ गनी, तस्लीम पहलवान, रईस शेख, आमन कुरेशी, नईम शेख, रईस बंजारी, माजी नगर सेवक और ठेकेदार रमजान मेंबर और परिसर के नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। आज मोहम्मदी नगर भागातील या ओपन स्पेस वर टिकेच्या माध्यमातून तिथे कंपाउंड वॉल व पाच फुटवा ट्रॅकिंग करण्यासाठी पायदळ चालण्यासाठी आपण ट्रॅक बांधणार आहेत। त्यामुळे नागरिकांना व्यायाम करण्यासाठी या भागाचा उपयोग होणार आहे। आज रोजी नगरपालिकेच्या माध्यमातून हे काम सुरू होत असून आज रोजी त्याची सुरुवात या भागातील जे मौलाना आहेत त्यांच्या हस्ते करण्यात आलेलं आहे। आज तो वार्ड नंबर 23 53 सर्वे नंबर 53/4 अलीराय स्कूल के सामने जो कंपाउंड वॉल का काम किया जा रहा है, नगरपालिका निधि से ये काम चालू हुआ है और इसमें सिर्फ और सिर्फ नगरपालिका का इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा किसी अदरवाइज कोई भी संस्था का या कोई भी आदमी का या किसी का पर्सनल मेरा भी कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ये ना मैंने ये काम मैं खड़े रहकर करा रहा काम, ये काम नगरपालिका करा रही, नगरपालिका के हित का काम है। और मैं ये चाहूँगा कि आने वाले कल में हमारे जो वार्ड के ये जो लेआउट के जो प्लॉट धारक है ये इनके हित में इनके हिसाब से सारा काम हो। और अल्लाह करम से बहुत अच्छा काम हो रहा वार्ड नंबर 23 में और कई दिनों बाद कई सालों बाद ये कंपाउंड वॉल का काम हो रहा है। उसमें जो भी होगा सबके हित में काम होगा। और एक खास बात ये है कि ये किसी ने नहीं कराया, ये नगर पालिका की निधि से हो रहा है काम। के अंदर काम हो रहा क्या अभी ये समझो भुसावल शहर में या अपने मुस्लिम तबके के एरिया के अंदर ये जो ओपन स्पेस के ऊपर अभी नगर पालिका कंपाउंड वॉल करके यहाँ गार्डन बनाकर दे रही है, यह सबसे अच्छा बेस्ट काम है। और हम ये चाहते हैं कि ये कोई भी संस्था को ना दिया जाए, ये पब्लिक की हित की जगह है, पब्लिक को दिया जाए ताकि ये संस्था वाले क्या करते हैं इसके ऊपर मालूम है कि इससे पैसे कमाने का धंधा बना लिए। ओपन स्पेस वहाँ ठहराव में ले लेते, उसके ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें, दुकानें और स्कूला बनाकर धंधा बना लेते और पब्लिक रह जाती उससे महरूम। तो हम ये प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर कंपाउंड बनाने के बाद ही हमारे मोहल्ले वालों के अंडर में दिया जाए, कोई संस्था को ना दिया जाए ताकि वो संस्था वाले इसके ऊपर धंधा करे, क्योंकि हमारे एरियों के अंदर ना गार्डन है ना खेलने के लिए बच्चों को जगह है और सब जगह संस्था वालों ने कब्जा कर और ये गार्डनों के ऊपर पैसे कमाते इसके ऊपर काम हुआ। ये ओपन फेस का जो आज काम हो रहा है यहाँ पे, तो हमारा कोई विरोध नहीं है काम को, लेकिन हमारा विरोध एक ही बात को है कि यहाँ जो रहने वाले लेआउट के अंदर जो भी लोग हैं तो ये इनके हक की जगह है और इनको मिलना चाहिए। बाकी का जो भी किसके भी इससे बना उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये यहाँ के रहवासियों का हक है, अधिकार है, तो इनको ये मिलना चाहिए।